अनाथ बच्चों का ग्रैंडपा लेमन राइस। बिरजापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रामैया नाम का एक व्यक्ति था। रामैया के बच्चे पढ़ाई करने के लिए फॉरेन जाकर वहीं शादी करके सेटल हो गए। यहां पर रामैया की पत्नी गुजर गई। रामैया पत्नी के यादों को देखते हुए जीने की कोशिश कर रहा था। एक बार रामैया अपने बेटे को फोन मिलाकर, बेटा इंडिया कब आओगे रे, मुझे मेरे पोते को देखने का मन कर रहा है। यूं कहा तब बड़ा बेटा, पिताजी अब इंडिया आकर हम क्या करेंगे बताइए, अब बच्चों को यहाँ की आदत हो गई है, अब फिर वहाँ आएंगे तो वहाँ का खाना, मच्छर, लोग जो साफ सुथरे नहीं है, छा छा ये सब हमसे नहीं होगा पिताजी। यूं कहा तब रामैया, अरे छोटे कम से कम तुम तो आओ ना, मुझे तुम लोगों को देखने का मन हो रहा है, अपने पोतों के साथ खेलने का बहुत मन है। यूं कहा तब छोटा बेटा, अब्बा पिताजी आपको सब पता है फिर भी ऐसे बात करते हो, आपकी बहू के बारे में तो आपको पता है ना, वो उस गांव में एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकती है, आपके लिए मैं पासपोर्ट और वीजा सब अरेंज करता हूँ, आप एक महीने के लिए यहाँ आकर रुकिए, हमें भी देख लोगे और बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं, हमसे तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, यहाँ सबकी बहुत बिजी लाइफ है पिताजी, एक दूसरे के साथ बात करने का अवकाश भी नहीं मिलता है। यूं कहा तब रामैया फोन रखकर, मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं यूं बोले तो जाने दिया, अगर पता होता कि मेरे हाथ पूरी तरह छोड़कर जाएंगे तो कभी भी जाने नहीं देता, माँ बाप को देखने तक उनको टाइम नहीं है। यूं कहा दुखी होकर। तभी रामैया का दोस्त रंगैया वहाँ आया। रंगैया रामैया से, क्यों रामैया ऐसे उदास हो, क्या हुआ है? यूं कहा तब रामैया जो हुआ वो बताया। वो सुनकर रंगैया, क्या कर सकते रे, पंख आते ही छोटे पक्षियों को माँ पक्षी कहाँ रोक सकती है भला, ये भी वैसे ही है, छोड़ो वैसे तुम्हारा तबीयत कैसा है? यूं पूछा तब रामैया, क्या तबीयत भाई, वो अस्थमा कब अटैक करेगा पता नहीं। यूं कहा तब रंगैया, अच्छा रामैया तुम्हारा नींबू के बगीचे के जो नींबू बेचे उसके पैसे ये लो, और साथ ही साथ गेहूँ बेचकर जो पैसे मिले वो भी इसमें है देख लो। कहकर रामैया को पैसे देकर वहाँ से चले गया। रामैया दवाई के लिए मेडिकल शॉप तक चलते हुए गया, दवाई खरीदा। अचानक उसे अस्थमा का अटैक हुआ। वहाँ कोई लोग नहीं थे। रामैया को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नीचे गिर गया। उसके हाथ में जो दवाई थी उसे लेना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कपकपाने से वो दवाई नीचे गिर गई। तभी वहाँ एक छोटा लड़का आया। वो दवाई लेकर रामैया को देकर पानी पिलाया। कुछ देर बाद रामैया ठीक हुआ। तब वो लड़के से, रामैया बेटा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, तुम्हारा माँ बाप क्या करते हैं बेटा? यूं पूछा तब वो लड़का, सर मेरा नाम बालू है, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, मैं ही नहीं मेरी तरह मेरे दोस्त भी अनाथ हैं, मैं आपके पास ही जो अनाथ आश्रम है ना वहाँ रहता हूँ। यूं कहा तब रामैया, हाँ अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारा आश्रम में छोड़ाता हूँ। यूं कहा तब रामैया बालू के साथ मिलकर उसके अनाथ आश्रम तक गया। वहाँ जाकर देखा तो आश्रम का वार्डन बच्चों से, बच्चों आज भोजन नहीं मिलेगा, हमारा दाता दूसरा गांव गए हैं, आज हमें भूखा ही रहना होगा। यूं कहा वो सुनकर रामैया, वार्डन जी बच्चों को भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास नींबू के बगीचे हैं, मैं चावल चढ़ाता हूँ, इसे इनके खाने के लिए कुछ तो बनाना होगा। यूं कहकर रामैया चावल और नींबू लाकर लेमन राइस बनाया, बच्चों को परोसा। बच्चे पेट भर कर खाए। तब रामैया वार्डन से, देखिए मैं सबको रखते हुए भी अनाथ ही हूँ, पैसे होकर भी गरीब हूँ, अगर मेरे पैसे इन बच्चों के काम आएंगे तो उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहकर तब से उन बच्चों के साथ खेलकर उनको खाना खिलाकर खुशी से रहने लगा।